नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने किया दावा कि इस बार सिरसा में कमल खिलेगा। इसके साथ ही किसके साथ होगी टक्कर के सवाल पर दुग्गल बोली कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हां, डेरा के वोट मामले में दुग्गल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को वोट करने का अधिकार है, लेकिन आस्था अपनी जगह है। पलपल फतेहाबाद से राजेश बांबू की यह विशेष रिपोर्ट। सिरसा संसदीय सीट से भाजपा की टिकट पर प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी सुनीता दुग्गल आज फतेहाबाद पहुंची। यहां पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा और दावा किया कि 2019 के चुनाव में सिरसा सीट पर कमल खिलेगा और देश और प्रदेश में भाजपा की फिर से लहर बनेगी। पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में वोट मांग लेके जाएगी, इस सवाल पर बोलते हुए दुग्गल ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश के अंदर विकास कार्य करवाए हैं। कम से कम सिरसा संसदीय क्षेत्र में और जनता से जुड़े 75% कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और बाकी जन मुद्दे हैं उन पर 2019 में भाजपा की सरकार बनने के बाद काम किया जाएगा। वहीं डेरा वोटर्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आस्थाएं अपनी जगह हैं और लोकतंत्र में सबकी अपनी जगह है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकता है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि सिरसा सीट पर कौन प्रतिद्वंदी और किसको आप प्रतिद्वंदी मानते हैं, इस सवाल पर चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, ऐसा है कि बहुत से संजोग कल ऐसे बने कि जिससे जो है अपने आप ही, जिसको कहते हैं कि शगुन जैसे होते हैं, तो क्योंकि कल हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, जिस पार्टी को हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने खून पसीने से सींचा, उस पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, नव वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि विक्रमी संवत कल से शुरू हो रहा था, नवरात्रों का कल पहला दिन था, माँ शक्ति के जो नवरात्र नव दुर्गा हम लोग मनाते हैं उसका कल पहला दिन था। इसके साथ साथ जो सिरसा जिला है उसकी स्थापना का भी कल दिवस था। सर साई नाथ जी ने कल के दिन ही सिरसा जो जिला है उसकी स्थापना की थी। तो इतने संजोग जो बन रहे थे, इतने शगुन जो बन रहे थे, उन सब में मैं ये कहूंगी कि हमारे जो वरिष्ठतम नेता हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी, और उसके साथ साथ पूरी पार्लियामेंट जो हमारा बोर्ड है उसके सभी सीनियर सदस्यगण, हमारी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, हमारे सुरेश भट्ट जी संगठन मंत्री, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, इन सब की मेहनत की बदौलत और इन सब के आशीर्वाद की बदौलत जो मुझ पर विश्वास व्यक्त करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की जो टिकट मिली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता बंधुओं में जिस तरह का उत्साह है, हमारे हर जिले में, चाहे हम बात करें फतेहाबाद जिला की, चाहे हम बात करें सिरसा की, तो दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे जींद जिले के जिला अध्यक्ष, तीनों के तीनों ने इतना जबरदस्त जो है संगठन को उठाने का काम किया है कि कार्यकर्ता बंधुओं में जो उत्साह है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो है 2019 के अंदर हमारी जो है सिरसा लोकसभा यहाँ से कमल का फूल जरूर खिलेगा। ये जिस तरह से पिछली बार भी आप लोगों ने देखा कि वो जो है हारे हुए कैंडिडेट हैं, और अब की बार जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो मुझे कुछ ऐसा किसी तरह का कोई मुकाबला नजर नहीं आता। मुझे तो लगता है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक चीज है, जब से अगर हम इतिहास देखते हैं, कांग्रेस, INLD अलायंस, यहाँ सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लगातार MP बन गया है, BJP का खाता ही नहीं खुला है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मान के चलते हैं यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है कि जो 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी और उसके साथ साथ हरियाणा में जो सरकार बनी, इन पिछले 5 सालों के अंदर जनता ने बहुत बारीकी से, खासकर सिरसा की जनता ने बहुत बारीकी से ये देखा है कि BJP की सरकार तो बहुत अच्छा काम करती है, वो जनता के लिए काम करती है, कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। चाहे हम केंद्र की योजनाओं के बारे में बात करें, चाहे हरियाणा की योजनाओं की बात करें, तो सिरसा के जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत बारीकी से और नज़दीकी से इस बात को महसूस किया है, और अब वो भी विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो पिछले 5 सालों में हम लोग जो हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जन जन तक पहुंचे हैं और हमने धरातल तक जो योजनाओं को पहुंचाया है, उसके तहत मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार सिरसा लोकसभा के लोग मन बना चुके हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल जरूर खिलेगा।
देखिए सब हर किसी की इंसान की कहीं ना कहीं आस्था हो सकती है, लेकिन वोट करना ये हर किसी का अधिकार है और लोकतंत्र में सभी अपने जहां वो चाहते हैं वहां पर वोट करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो मुझे लगता है कि सब अपने बुद्धि से विवेक से, जो हमारे बहुत से यहाँ पर डेरे हैं, सभी डेरों के अनुयायी हैं, तो मुझे लगता है कि सबके सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा और अब की बार कमल का फूल खिलेगा। हम लोग तो मुझे लग रहा है कि हम 75% काम तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं। हम लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी हमारे जो ऊपर से संगठन से जो भी कार्यक्रम आते हैं उनके तहत जो आम जनता है उन तक पहुँचते हैं और उन तक जो है सभी जो भी योजनाएं हैं वो उन तक बताते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर जो है एक रणनीति के तहत जो है आगे बढ़ना है। हमारे जितने भी यहाँ की जनता है उन तक सभी योजनाओं को हम भली भांति पहुँचा चुके हैं और अच्छी तरह से पहुँचा सकें, ये हमारी कोशिश है। रैली को आपके समर्थन पे जो रैली रखी जाएगी या रखी जानी तो है निश्चित तौर पर, तो क्या मानते चले कि स्टार प्रचारक कैसे, पिछली बार से पीएम मोदी जी का प्रोग्राम रखा गया था या राष्ट्रीय अध्यक्ष रखा गया था, अभी भी हम ये कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारा जो संगठन है वो बहुत सुचारू रूप से काम करता है। हमारी प्रचार प्रसार समिति एक अलग से है और हमारी जो केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, वो लोग निर्धारित करते हैं कि किस एरिया में किस स्टार प्रचारक को भेजा जाए और किस एरिया में जो है किस हमारे वरिष्ठ नेता को भेजा जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी जो है हमारे सिरसा लोकसभा को भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि यहाँ पर वरिष्ठतम जो हमारे नेता हैं वो लोग पहुँचेंगे और हमारा परम सौभाग्य कि हम लोग उनके साथ जो है डायस शेयर कर पाएंगे। फतेहाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, लंबी चिरपरिचित मांग चली आ रही है, कांग्रेस ने भी लगातार उसको घुमाया, पिछली बार भी तंवर जी ने घुमाया था, उससे पिछली बार घुमाया था, वो है रेलवे लाइन। क्या आप इसको भी कहीं ना कहीं मुद्दा बना के चलेंगे? देखिए ऐसा है कि जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक बार आप लोगों की दुआ से, सभी हमारी जनता के आशीर्वाद से, सभी के जो है सहयोग से एक बार हम बड़ी पंचायत में पहुंच जाएं, उसके बाद जो भी स्थानीय मुद्दे हैं सबको एक एक करके देखें। थैंक यू सो मच।